सरकार के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग और आरपीएसएल के पास बिना पंजीकृत ऐसे अवैध ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट एजेंसी से पैसों का व्यवहार मत करें। ऐसी जगह एडमिशन लेकर मत फंसे। इस सामाजिक उद्दिष्ट को सामने रखते हुए आज ऑल इंडिया सी फेयरर्स एंड जनरल वर्कर यूनियन के माध्यम से बेलापुर नवी मुंबई में नारेबाजी लगाते हुए जागरूकता की गई। यहाँ पे हम लोग जो शिपिंग के फ्रॉड चलते हैं नवी मुंबई में, जो बेलापुर सीबीडी बेलापुर जो है वो शिपिंग का हब है। यहाँ पे बेचारे देश भर से हमारे सी फेयरर्स भाई बंधु यहाँ पे आते हैं नवी मुंबई में, नौकरी की तलाश में आते हैं। बहुत सी नॉन आरपीएसएल कंपनी, नॉन डीजी अप्रूव्ड जो इंस्टीट्यूट्स है उनकी तरफ से उनको फ्रॉड किया जाता है, उनके उनसे पैसे ऐठेले जाते हैं। तो उसके खिलाफ ये हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि इसमें शिपिंग फ्रॉड्स बंद होने चाहिए। हम लोगों ने इससे पहले जो सम्माननीय राज्यपाल जी है हमारे महाराष्ट्र राज्य के, उनसे मुलाकात करके ये शिपिंग फ्रॉड्स के बारे में उनको लेटर दिया है। बाद में जो होम मिनिस्टर हैं हमारे, उनको भी लेटर दिया है। जो अपने नई मुंबई के कमिश्नर साहब हैं उनको भी लेटर दिया है कि इसमें कुछ ना कुछ नया कुछ बदलाव ला के ये शिपिंग फ्रॉड्स बंद होने चाहिए। इसमें जो नॉन आरपीएसएल कंपनीज है हम उनको अभी कहना चाहते हैं कि हम आपके खिलाफ आक्रामक आंदोलन की ये शुरुआत है। यहाँ से हमारे कोई भी हमारे पास में कंप्लेंट आती है नॉन आरपीएसएल कंपनीज के बारे में कि कोई भी शिपिंग फ्रॉड की, तो उनका हम लोग मुंह तोड़ आक्रामक जवाब देंगे और उसका जिम्मेदार वो खुद कंपनी रहेगी, बाकी दूसरा। आज ये जो कैंपेन हमने यहाँ पे लिया है सेव अवर सी फेयरर्स, जो से नो टू शिपिंग फ्रॉड, जैसे कि सभी जानते हैं पूरे भारत में दिल्ली और नवी मुंबई एक ऐसे हब है जो शिपिंग्स के, जहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रॉड्स आज हो रहे हैं। और ये सारे फ्रॉड्स जो शिपिंग में हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ ऑल पैसा दिया जाता है प्लेसमेंट के लिए और प्लेसमेंट नहीं मिलती है। जो सी फेयरर पूरे भारत से अलग अलग स्टेट से आता है और यहाँ आने के बाद वो लाचार हो जाता है, घर जाने के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते हैं, तो उनके बिहाफ में हमने ये आज आंदोलन रखा है। और जो नॉन आरपीएसएल कंपनी आज नवी मुंबई में है, नॉट ओनली नवी मुंबई, इंडिया में जो नॉन आरपीएसएल कंपनी है जो शिपिंग फ्रॉड्स करते हैं और ऑल इंडिया सीफेयर यूनियन के पास जितने भी कंप्लेंट्स आते हैं उनके ऊपर अब डायरेक्ट एक्शन होगा। और जो नॉन डीजी इंस्टीट्यूट्स आज चल रहे हैं उसके खिलाफ मैंने एक बहुत बड़ा पिटिशन बनाया है, जो कि बहुत ही जल्द डीजी शिपिंग को वो सबमिट होने जा रहा है। और नॉन आरपीएसएल जिनके कंप्लेंट्स हमें रिसीव हुए हैं उनके भी एक पिटिशन हम डीजी शिपिंग को और शिपिंग मिनिस्ट्री को बहुत ही जल्द रिप्रेजेंट करने वाले हैं। सो से नो टू शिपिंग फ्रॉड्स। गवर्नमेंट को मैं यही बताना चाहता हूँ कि डीजी शिपिंग और जो शिपिंग मिनिस्ट्री है हमारे इंडिया में, डीजी शिपिंग जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है आरपीएसएल कंपनीज को, तो वो आरपीएसएल कंपनीज का लाइसेंस जिस कैटेगरी में प्रोवाइड किया जाता है उस कैटेगरी को डीजी शिपिंग खुद फॉलो करे। क्योंकि डीजी शिपिंग के जो काम करने का तरीका है आज का, जैसे कि मास्टर चेकर, पिछले 7-8 महीने से मास्टर चेकर जो हमारा होता है सी फेयरर्स का इंडोस नंबर के हमारा जो खुद का प्रोफाइल होता है, तो 6-7 महीने से मास्टर चेकर नहीं दिख रहा है, उसकी वजह से भी बहुत से फ्रॉड हो रहे हैं। और जो शिपिंग डीजी शिपिंग लाइसेंस प्रोवाइड कर रही है वो लाइसेंस को भी वो ध्यान में रखे, जो 50 का लाइसेंस है उसको 50 की ही अथॉरिटी मिले, जो 250 का उसको 250 की ही। तो कुछ ना कुछ आरपीएसएल लाइसेंस है जो अनगिनत आरपीएसएल अपलोड करके सी फेयरर्स का फिर साइन ऑफ इशू आ जाता है, मास्टर चेकर इशू आ जाता है, फिर सी फेयरर्स पहले शिप पे जाओ, शिप पे आने के बाद फिर डीजी के चक्कर काटो, साइन ऑफ के लिए चक्कर काटो, मेल करो, मेल का कुछ रिप्लाई नहीं है। तो ये जो पूरा ओवरऑल सिस्टम है डीजी शिपिंग का वो सी फेयरर्स के लिए एक बहुत अच्छा अपग्रेशन हम चाहते हैं यूनियन की तरफ से, वो अपग्रेशन और सी फेयरर्स का हर एक प्रॉब्लम जो डीजी शिपिंग में जाता है वो सॉल्व हो, यही हम यूनियन से मांग करते हैं। कैमरामैन निनाद के साथ फोरम जोशी की रिपोर्ट, पालिका प्रशासन, बेलापुर, नवी मुंबई।